नमस्कार दोस्तों, हर एक चुनाव में आप कहीं भी चुनाव होते हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो गौ माता का जो मुद्दा है वो हर एक पार्टी लेकर चलती है, लेकिन जो गौ माता का जो मुद्दा है उसका समाधान कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाई है, जो कि चुनाव तक ही वो मुद्दे सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसके अंदर गौ माता को लेकर बहुत सी सरकारें आई और चली गई और इस मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी गौ माता के यानी उसी गाय के गोचर भूमि के बारे में। आज तक बहुत से नेताओं ने, बहुत से मंत्रियों ने घोषणा की है और यह विश्वास भी दिलाया है जनता को कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हमें गोचर भूमि को यानी जो चीज पे कब्जा कर रखा है उसको छुड़वा देंगे। दोस्तों, हम पुराने समय की बात भी करें तो उस समय से चलता आ रहा है कि गोचर भूमि है उसको एक अलग हिस्से में बांटा गया है और जिस भूमि पर हम फसल उगा सकते हैं उस भूमि को एक अलग हिस्से में बांटा गया है और एक हिस्सा है जिस पर बसासत की जा सकती है यानी जिसके ऊपर मकान वगैरह बनाए जा सकते हैं। इन तीन भागों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मनुष्य है वो एक राक्षस प्रवृत्ति में तब्दील होने लगा यानी एक राक्षस का रूप धारण करने लगा और वह धीरे धीरे जो कि गोचर भूमि है, जो आवारा पशुओं के लिए जो भूमि छोड़ी गई थी उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करने लग गए। दोस्तों, हम शास्त्रों की बात करें तो उनमें भी लिखा है जिसने भी यानी जो भी गोचर भूमि के ऊपर कब्जा करेगा वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कौन है दोस्तों वो लोग जो कि गोचर भूमि के ऊपर कब्जा करते हैं और उनको सरकार के द्वारा क्यों नहीं हटाया जाता? हर एक सरकार, हर एक मंत्री के द्वारा यह घोषणा भी की जाती है कि वह गोचर भूमि को जल्द से जल्द खाली करवाएंगे और जिन्होंने गोचर भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है उनको जल्दी से जल्दी नोटिस भेजा जाएगा, लेकिन वह क्यों कैंसिल हो जाते हैं, उनके ऊपर क्यों बुलडोजर नहीं चल पाता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक राज्य में कोई भी अपराध करता है तो उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो फिर गौ माता की गोचर भूमि यानी आवारा जानवरों की गोचर भूमि के लिए जो जमीन छोड़ी गई है उसके ऊपर कब्जा करने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर 3 लाख बीघा ऐसी जमीन है, गोचर भूमि है, जिसके ऊपर लोगों के द्वारा कब्जा किया हुआ है और सरकार के द्वारा हर बार यही कहा जाता है कि इस बार गोचर भूमि को खाली करवा लिया जाएगा। दोस्तों, गोचर भूमि आवारा जानवर जो गौ माता है वो आपको कभी भी किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने की और आपको विरोध करने की नेताओं का वो कभी आपको चिट्ठी लिखकर नहीं भेजेंगे। अगर आप देखते हैं कि किसी भी योजना में गड़बड़ी होती है या किसी भी भर्ती में थोड़ी सी भी चूक होती है तो जनता है वो रोड पर उतर आती है, लेकिन गोचर भूमि की जमीन के लिए गौ माता आपको कभी भी नहीं दिखेगी कि वो किसी नेता के घरों के आगे यानी धरना प्रदर्शन करें। दोस्तों, जो गोचर भूमि है उसमें से कुछ भूमि के ऊपर सरकार के द्वारा ही अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके ऊपर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, सरकारी स्कूल वगैरह बनाए हुए हैं और कुछ जमीन के ऊपर गांव वालों के द्वारा, हर एक गांव के अंदर जो गोचर भूमि है उनके ऊपर गांव वालों के द्वारा, जो पंचायत के लोग हैं उनके द्वारा कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, आप अपने आसपास गली मोहल्लों में कहीं पर भी देखेंगे तो वहां पर जो गौ माता है वह कचरा खाने को मजबूर है, क्योंकि जिनके लिए जो गोचर भूमि छोड़ी गई थी उनके ऊपर ही लोगों ने कब्जा कर लिया और जिस भूमि को कृषि के लिए यानी जिसके ऊपर धान उगाया जा सकता है उसके लिए छोड़ा गया था, उसके ऊपर अब धान भी यानी सिंचाई कृषि भी करते हैं
और उन जमीन के ऊपर चारों तरफ जो तारबंदी है वो कर दी जाती है। इस वजह से वह गली मोहल्लों में कचरा खाने को गौ माता मजबूर होती है और उस गोचर भूमि के ऊपर जो कि पंचायत के लोग हैं, यानी जो शहर में भी आपको बहुत से शहरों में भी गोचर भूमि है वो मिल जाएगी, उनके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। यानी हर एक तरफ से ये सरकार को ये मुद्दा, यानी यह समस्या नज़र आ रही है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं किया जाता। क्योंकि अगर वह किसी मोहल्ले या किसी पंचायत का काम करेंगे तो उनको पता है कि उनको आगे आने वाले चुनाव में वोट मिलेंगे, इस वजह से वह ज़्यादा जनता का काम करते हैं। उनको पता है कि अगर वह गोचर भूमि को खाली करवाया तो उनका जो वोट बैंक है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव डाल सकता है। इस वजह से वोटों को लेकर भी हर एक नेता है वो इस मुद्दे को लेकर, यानी जो गोचर भूमि है उसको खाली करवाने वाले मुद्दे को लेकर पीछे हटता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस मुद्दे के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्यों ना हमारी तरफ से, यानी हर एक पंचायत हर एक जिले की तरफ से यह मुहिम को आगे बढ़ाया जाए और जिस प्रकार हमें किसी योजना में गड़बड़ी होने पर, किसी परीक्षा में यानी पेपर लीक होने पर हम जिस प्रकार रोड पर उतरते हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री जो विधायक हैं उनके आवाज़ का घेराव करने की जो चेतावनी देते हैं सरकार को, उसी प्रकार हम गोचर भूमि को खाली करवाने की सरकार को चेतावनी दें तो क्या लगता है वह गोचर भूमि खाली नहीं हो सकती? क्या कहीं पे भी यह कानून नहीं बना हुआ कि गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलेंगे या उन घरों को जल्दी से जल्दी खाली करवा कर उन जमीन को खाली करवाया जाएगा? आप कहीं पे भी किसी भी जिले में, राजस्थान के हर एक जिले में, हर एक गांव में आप अगर जाकर देखेंगे तो जिस भी गांव में जो गोचर भूमि थी उसका 100 में से 80% हिस्सा है उसके ऊपर गांव वालों के द्वारा या सरकार के द्वारा कब्जा किया हुआ है। आपको समाज के अंदर बहुत से ऐसे समाज सेवी मिल जाएंगे जो कि इन्होंने अपना एक जीवन का आधार यानी एक मुद्दा बना लिया है कि उनको गोचर भूमि है वो खाली करवानी है, लेकिन वह अभी तक ऐसा नहीं करवा पाए हैं। हमारे चैनल, यानी मैं अपनी जो पर्सनल राय बताऊं तो उस हिसाब से क्या हर एक गांव हर एक पंचायत में एक गौशाला होनी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।